तो यहाँ आ गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड रिधिमा और दोनों बच्चे। तो चाय तो बनाई ही थी मगर बच्चे चाय नहीं पीते हैं, इसलिए उनके लिए बनाई थी स्पेशल वाली कोल्ड कॉफ़ी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माई लाइफ स्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज दिन है संडे एंड ये व्लॉग फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग है। तो बस बच्चों को यहाँ बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी बना के दी, उनको बहुत पसंद आई। फिर छोटा वाला जो बेटा है यजुर, तो उसका हो गया था ऑनलाइन क्लासेस का टाइम, सो वो बैठ गया अपना क्लास करने के लिए। सो कॉफ़ी पीने के बाद यजुर ने कहा कि मेरा ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो गया है आंटी। तो मैंने कहा आप यहीं से ऑनलाइन क्लासेस कर लो बेटा। और यजुर जो मैथ का क्लास लेता है वो लेता है भांजू से। तो जैसे कि मेरी फ्रेंड से पहले भी बात हुई थी तो वो काफ़ी टेंशन में थी उसके मैथ क्लासेस को लेके, जैसे कि सारे ही बच्चे थोड़ा डरते हैं मैथ का नाम सुन के। तो जो मैंने डिफरेंस पहले देखा था यजुर में और जो मैं अब देख रही हूँ, तो भांजू से क्लास लेने के बाद मैं बिल्कुल भी मैं उसके अंदर कोई डर या फियर नहीं देख रही हूँ मैथ को लेके। और यहाँ की जो टीचर्स सिखाती हैं वो काफ़ी फन वे में और मोटिवेट करते हुए सिखाती हैं। और भांजू पर एक भी क्लास आपके बच्चे का मिस नहीं हो सकता है। जैसे कि आज यजुर यहाँ आया हुआ है और इजीली यहीं से अपना ऑनलाइन क्लासेस उसके ऑन हैं, तो आप ट्रैवलिंग में भी हों तब भी आप भांजू पर क्लास इजीली कर सकते हैं। भांजू वे ऑफ लर्निंग बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन, जो कि उन्हें मैथ में काफ़ी हेल्प करता है। और भांजू फोकस करता है फास्टेस्ट मैथड में। इस कोर्स को जिन्होंने बनाया है उनका नाम है मिस्टर नीला कांता भानु और उन्हें वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल दिया गया है। मैं तो यजुर को इतने फन वे में मैथ सीखते हुए भांजू पर देखकर काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंटली फियरलेसली मैथ सीखे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने बच्चे के लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। और अगर भांजू वे ऑफ लर्निंग आपको पसंद आता है तो आप अपने बच्चे को इनरोल करा सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे फर्स्ट 100 पीपल टू क्लिक द लिंक विल गेट अ फ्री डेमो क्लास। सो ये था मेरा स्पेशल वाला गेस्ट मेन्यू। एंड बिलीव मी गाइज, सबको ये जो मेन्यू मैंने रेडी किया था बहुत पसंद आया। सो फुल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की ही है प्रीवियस व्लॉग में, तो वॉच ज़रूर कीजिएगा। और ये बनाया था मैंने क्रीम फ्रूट सैलड। तो बस यहाँ बैठ के खाना खा ही रहे हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि भाई फ्रेंड की शक्ल तो मैंने दिखाई नहीं अभी तक, सो अब मैं क्या करूँ कि वो भी आंचल की तरह कैमरा शाही निकली। उसको बिल्कुल भी कैमरा में आना पसंद नहीं है और इतना वो शर्मा रही थी। तो जस्ट आप देख सकते हैं जो हाथ दिख रहा है, तो बस वही यजुर को खाना भी खिला रही और ख़ुद भी डिनर कर रही थी। हमने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया काफ़ी समय के बाद में। और यजुर तो इतना ज़्यादा प्यारा है कि मैं क्या बताऊँ, और बड़ा वाला भी कुछ कम प्यारा नहीं है। और हाँ, उसकी आर्ट स्किल जो है
हाथों में उसके जो कला है बड़े वाले की, मैं कभी आपको दिखाऊंगी कि वो मतलब सामने वाले का पूरा सेम टू सेम पोर्ट्रेट बिल्कुल पेज पर उतार देता है। इतनी कला है उसके हाथ में, इतना आर्ट है उसके हाथ में। सो ये आपको बोल के गया है जापानीज़ में कुछ, क्योंकि वो लैंग्वेज सीख रहा है जापानीज़। और बस यहाँ कुछ समय बैठे थे और उसके बाद में फिर इनके जाने का टाइम आ गया था। अच्छा तो नहीं लग रहा था जा रहे थे, मगर इतने समय के बाद मिले तो इतना अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है कि याद रहेगा। तो बस यहाँ इनके जाने का समय हो गया था और उसके बाद फिर मैं और आंचल नीचे तक छोड़ कर आए हैं, क्योंकि ये अपनी कार में ही आए थे। सो बस यहाँ निकल रही थी रिद्धिमा और उसको मैंने गले लगाया है। सो देखिए, फ्रेंड्स तो सबके ही होते हैं, मगर कोई एक फ्रेंड ऐसा होता है हम सब का जिसके सामने हम अपना मन खोल के रख देते हैं। तो बस वही फ्रेंड मेरी रिद्धिमा है एंड शी इज़ अ डार्लिंग। तो इतना अच्छा हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। बस ये उसके बाद निकल गए, हम नीचे तक ड्रॉप करने के लिए आए थे। इनके निकलने के बाद में फिर मैं हमेशा की तरह लगी हूँ किचन में, तो सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन क्लीन किया एंड ये सिंक फिर से मैंने पूरा आला डाल के क्लीन किया, क्योंकि वाइट लेके मैं तो पछता रही हूँ। जो माइनस पॉइंट है बस वही बता रही हूँ। स्टार्टिंग में देखने में सुंदर लगता है, उसके बाद सिंक हमारा इतना ज़्यादा काम में आता है कि बर्तन कितने होते कोई ठीक नहीं है। हल्दी का खाना बन रहा है, मिर्ची का खाना बन रहा है, सबके दाग इसमें पकड़ते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने घर में वाइट सिंक लगाने वाले हैं तो प्लीज़ ना ही लगाएं। सिंक हमेशा मैंने अब यहाँ पे लगाने के बाद महसूस किया है कि डार्क कलर होना चाहिए, बट ठीक है, अब मैंने तो लगा ही लिया है तो इसको मैं आला से क्लीन कर लेती हूँ हर 2-3 दिन के बाद में। फ़िलहाल पूरा क्लीन हो गया था, फिर रोज़ सोने जाने से पहले ये टेबल को पूरा मैं क्लीन करती हूँ और कॉलिन से या फिर स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा सर्फ लगा के उससे घिसके कर देती हूँ, तो पूरी जैसे कि चमक बनी रहती है। और मेरे घर में एस्ट्रो है तो फिर उसके जो हेयर्स हैं वो हर जगह रहते ही हैं ज़्यादातर, इसलिए 2-3 बार झाड़ू भी मैं लगाती हूँ। बस यहाँ पे सारा ही साफ़ सफाई कर लिया था एट लास्ट सोने से पहले, यानी कि डिनर के बाद जो मेरी मेडिसिन होती है तो वो मैंने ली है। और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा लाइट वगैरह जो भी होती है सब मैंने बंद करके फिर मैं सोने के लिए गई हूँ। तो ये आदत बहुत अच्छी होती है। कई घरों में आप देखिएगा पंखे चल रहे हैं, लाइट जली पड़ी है, एसी ऑन है, इससे सिर्फ वेस्टेज है, पैसा का वेस्टेज है और इलेक्ट्रिसिटी का तो जो वेस्टेज है वो है ही। तो चलते फिरते हाथ इन सब चीज़ों में चलता रहे, एक्स्ट्रा कुछ भी ना जले, तो आपका जो महीने का बिल है वो भी बहुत सही आएगा और सब सही भी रहेगा। जब पैसे की बचत होगी तो फिर सब सही ही रहेगा ऑफकोर्स। तो बस यहाँ पर्दा वगैरह भी गिरा दिया एंड उसके बाद मैं सोने गई थी। सो बस अब मैं आपसे मिल रही हूँ सैटरडे की सुबह। तो यहाँ आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि काफी कुछ घर के काम हो गए हैं और मैंने और संध्या मासी ने मिलके ही खाना बनाया था। तो अभी आपको एक सब्जी दिखाऊंगी, फूल गोभी होती है ना, उसका जो जड़ होता है जो हम लोग फेंक देते हैं, उसकी सब्जी बनाई है ये संध्या मासी ने बनाई है। मैंने कभी भी नहीं बनाई है और मैंने उनसे सीखा भी है। तो जीवन इसी का नाम है, कुछ आप मुझसे सीखते हैं, कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, तो इसी का नाम जीवन है। बहुत से लोगों को मैंने पर्सनली देखा है कि अगर सामने वाले से कुछ उन्होंने सीखा है या किसी ने उनको एडवाइस दी है तो वो बोलने में शर्माते हैं कि नहीं, इससे हमारी नाक नीची हो जाएगी कि हमने सामने वाले से सीखा। ऐसा कुछ भी नहीं है, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सब लोग मतलब परफेक्ट नहीं होते हैं, संपूर्ण कोई भी नहीं है। अगर परफेक्ट होंगे, संपूर्ण होंगे, कोई कमी नहीं होगी तो फिर भगवान नहीं हो जाएंगे। इसीलिए तो इंसान है। तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो बिल्कुल प्राउड के साथ बोलना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमने आपसे सीखी है, थैंक यू सो मच। तो मेरा यही नेचर है। तो बस वही है कि जीवन है, जब तक जीवन है इंसान तब तक सीखता है, क्योंकि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, आदमी मरते दम तक सीख सकता है। तो बस ये मेरी सोच है। और यहाँ सारे कुछ मसाले मतलब ख़त्म से ही थे, डब्बे खाली नहीं थे, बट फिर भी उनको मैंने फुल कर दिया है, क्योंकि ये जो मसाले हैं ये डेली बेसिस पर लगते ही लगते हैं।
तो यहाँ ये भी हो गया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सैटरडे का लंच क्या था। बहुत समय के बाद में जो खिचड़ी हर सैटरडे बनती है ये नहीं बनाई थी मैंने। और ये देखिए जो गोभी की गांठ होती है यानी कि जड़, ये उसकी सब्जी है, उसमें बैंगन वगैरह डाल के बनाया है। मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, अमेजिंग टेस्ट था इसका। और मैंने संध्या मासी को थैंक यू बोला कि आपने मुझे सिखाया, ये बहुत अच्छी बनी थी। और ये उन्होंने बनाया था बैंगन की भुजिया पंच फोड़न डाल के, और उसके संग बनाया हमने ये कच्चे केले की सब्जी। तो वीक में एक से दो दिन हम अपने खाने में कच्चा केला इंक्लूड करते ही हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर हीमोग्लोबिन। और चावल बना था, ये आपको कम इसलिए दिख रहा है कि एस्ट्रो को खाना दे चुके थे हम। और मसूर की दाल नींबू धनिया वाली। तो ये था हमारा सैटरडे का लंच। सो बस फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था व्लॉग, सैटरडे को एंड कर रही हूँ। उसके बाद हम सब ने ही खाना खा लिया था, बस मैं रह गई थी, तो मैं बैठी हूँ एट लास्ट खाना खाने के लिए। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, हमारे जीवन में रिद्धिमा जैसा एक फ्रेंड तो होना ही चाहिए।